हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपनी रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की सर्विस कराने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या रहता है सर्विस में। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं सर्विस कराने अपनी बाइक की। सेकेंड सर्विस फ्री, और ये चल चुकी है 1764.8 किलोमीटर्स। 6 महीने हो गए हैं पहली सर्विस को, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला था, सर दूसरी सर्विस 6 मंथ्स बाद है, अगर आप नहीं कराते तो वारंटी में आपको इश्यूज आ सकते हैं, तो भाई टाइम से तो करानी पड़ेगी अब ये सर्विस। ठीक है गाइस, चलते हैं सर्विस सेंटर और दिखाते हैं आपको वहाँ क्या होता है। हम आ गए रॉयल एनफील्ड पे बलदेव नगर अपनी बाइक की सेकंड सर्विस कराने, और बाइक में अंदर भी खड़ी कराया हूँ नीचे, और मैं भी बाहर खड़ा हूँ यहाँ पे। ये अच्छा है, बढ़िया, बड़ा मस्त है, रात को बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस, हमारी बाइक पे काम शुरू होने वाला है बस थोड़ी देर में। ये भैया ने सामने डेक क्लीन कर दिया है, और बस तब तक हम चलते हैं ऊपर और इनकी नई बाइक्स को चेक करते हैं जो भी लॉन्च हुई थी, 650। बहुत बढ़िया बाइक बनाई है रॉयल एनफील्ड ने, एकदम ज़बरदस्त लुक्स हैं इसकी। मेरे को तो ये हार्ले डेविडसन से कुछ कम नहीं लग रही है, बहुत सही है। पर इसकी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल नहीं है अभी, ये प्रॉब्लम है। मैंने भी बात करी थी तो उन्होंने कहा टेस्ट ड्राइव तो सर है नहीं, आप इंटरसेप्टर चला सकते हैं, आप इंटरसेप्टर ले जाइए। तो दिखाता हूँ मैं अभी उसको। ये भैया टी शर्ट्स भी हैं यहाँ पे तो रॉयल एनफील्ड की, मस्त है। ये है कितने की? 1700 की, सही है। ये जैकेट भी है, जैकेट कितने की है? जैकेट इज फॉर 4500। ठीक है, बाइकर जैकेट, स्वेट शर्ट्स वगैरह सब माल है भाई यहाँ पे। तो ये जैकेट भी अच्छी है, ये जैकेट देखते हैं कितने की है। ये भाई कौन सा, ये 5 ईयर वारंटी भी है इसकी तो। ये है कितने की? ये है 5000 की, 4950। सही है, बनी कहाँ पे हुई है? बांग्लादेश में। ठीक है, 6 भी जैकेट्स ब्रो। और ये कुछ एक्सेसरीज भी हैं यहाँ पे लगी हुई, सीट्स, ओहो, नज़र बट्टू भी है यहाँ पे, बुरी नज़र वाले तरह मुंह काला। सही है, फिर से हम इधर आ गए। गैस कुछ स्वेट शर्ट्स और हैं इधर यहाँ पे, कुछ इसमें पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना मेरे को। ठीक है, भैया भी बैठे हैं यहाँ पे गाने सुन रहे हैं। चलो देखते हैं कुछ। तो गैस, यहाँ पे इनके फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बाइक्स खड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही मस्त मस्त बाइक्स यहाँ पे खड़ी हुई हैं, जैसे कोई स्पेशल एडिशन कॉन्टिनेंटल GT650, बड़ी मस्त है ये तो। और भी बाइक्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो बाइक्स खड़ी हुई हैं। तो ये वाली जो GT है कुछ स्पेशल एडिशन है इसके अंदर, शायद इसका एग्जॉस्ट भी चेंज है, और ये नहीं की होगी बाइक मेरे को लगता है। एंड उसके बाद ये कोई एनफील्ड है क्लासिक वाली, ये भी अच्छी है, और ये वाली क्लासिक भी अच्छी है 500। और यहाँ से सड़क का व्यू भी बहुत अच्छा है, वो देखो ये मेरी बाइक।
का वो लगा हुआ है, यहाँ पे पोस्टर बना हुआ है बहुत बड़ा, बहुत अच्छा पोस्टर है। और एक पुरानी थंडरबर्ड भी खड़ी है यहाँ पे, ये मेरे फ्रेंड के पास होती थी, ये चलाने में भी बड़ा मज़ा आता था, बड़ा घूमते थे हम इस बाइक पे उस टाइम 2003-04 की बात है। और यह बुलेट इलेक्ट्रा, ये भी एक दोस्त के पास हुआ करती थी, सही है, ये भी बाइक अच्छी थी अपने टाइम में। और ये इनके हेलमेट्स रॉयल एनफील्ड के, ये इनका स्टाइलिश बैग, और ये कुछ और मॉड्स, ये सीट भी है, ये अच्छा है, शोरूम ये बहुत बड़ा है। चलो नीचे चल के देखते हैं हमारी बाइक का क्या बन रहा है, कुछ हुआ हमारी बाइक की सर्विस स्टार्ट। तो गाइस हम ले रहे हैं इंटरसेप्टर 650 की टेस्ट ड्राइव, मेरी बाइक की जितनी देर सर्विस हो रही है हम उतनी देर अभी इस बाइक की टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। तो मैं बाइक के लेके आया हुआ हूँ इसकी टेस्ट ड्राइव लेने यहाँ पे, और ज़बरदस्त है बाइक, बहुत अच्छी है, मज़ा आया मेरे को चलाने में। और ऑब्वियसली मेरी हंटर 350 से तो इसकी बात ही अलग है, बाइक की मस्त बाइक है गाइस, ये बहुत सही है, आवाज़ सुनो इसकी आवाज़, वॉक अराउंड भी देख लो आप अच्छे से। हमारी बाइक की हो गई है अब सर्विस कंप्लीट, नहा धोकर तैयार आ गई है बाइक बाहर, और चलो मैं आपको दिखा देता हूँ साफ़ सुथरी बाइक का वीडियो, और फिर उसके बाद हम चलते हैं घर।